और एक अच्छी बात है कि दिल्ली में हमने फ्यूल में ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने बहुत प्रयास किया है। 5 साल के अंदर दिल्ली की पूरी बसेस इलेक्ट्रिक होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, देश की भी होगी। दिल्ली में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ट्रॉली बसेस और हाइड्रोजन, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट अगर कन्वर्ट होगा तो बहुत मुझे लगता है कि इससे काफी परिवर्तन होगा। हम देश में करीब 1,20,000 करोड़ के रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे बना रहे, तो रोड के ऊपर में भी हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अर्बन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पानीपत से आते समय रिंग रोड जहां क्रॉस होता है वहां से हमने UER2 बनाया है, जिसमें करीब 85% काम पूरा हुआ है और उसका जो पैकेज है द्वारका से वो भी पूरा हुआ है और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी पूरा हुआ है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, एक ही पिलर पर 4-4 लेयर हुई है और अंदर में ऊपर में जो शिव मंदिर से वहां से हमने जो रोड बनाया है वो ऊपर में 8 लेन रोड, फिर 2-2 लेन, 3-3 लेन की सर्विस लेन और उस जमीन के अंदर फिर से 8 लेन ऐसा अंडरपास टनल बनाई है जो डायरेक्ट T3 को जाएगी। तो एक प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल के लोगों को एकदम डायरेक्ट एयरपोर्ट में जाना आसान होगा। जहां दिल्ली का जो GT रोड है वहां से अगर जाएंगे तो 2 घंटा लगता था, वहां 20 से 25 मिनट में एयरपोर्ट में जाना आसान होगा। नया जो जेवर एयरपोर्ट बना है उसके लिए भी हमने जो कनेक्टिविटी वो आपने अभी देखी है, जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और UER2 के जो पैकेज पूरे हुए हैं उसका उद्घाटन के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-12 दिन में उनका समय मिलेगा और उसका 90% पार्ट पूरा हुआ है, उसका हम उद्घाटन करेंगे। और इसमें पहला पैकेज 1 जो है, अच्छा इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि जिस प्रकार से हमने मेट्रो के ऊपर से चार जगह पर हम मेट्रो से ऊपर गए हैं और सिंगल पियर पर 29 मीटर का लगभग रोड है, एक लेन 3.5 मीटर की होती है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा रोड ऊपर के ऊपर बन रहा है। और इस रोड के कारण ना ट्रैफिक सिग्नल है ना कुछ है।